शताक्षी गुप्ता, बी अलर्ट बी केयर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, घटना घटने का इंतज़ार मत कीजिए, पहले से सावधान रहिए। महिलाओं को लेकर अक्सर हम बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्या महिलाओं को खुद नहीं अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए? तो आज एक टॉपिक लेके आए हैं कि अपनी लड़ाई खुद से भी लड़नी होगी, तो उसी संदर्भ में बात करने वाली हूँ। आज हमारे बीच है सुधा सिंह जी, जो हमारी कॉर्पोरेटर भी हैं वार्ड नंबर 67 से। तो सुधा जी, जैसे कि आज मुझे पता चला कि यहाँ पे एक कोई कैंप लगा हुआ है महिलाओं के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में खुद ही बताएं। ये एक NGO अलंकार क्रिएशन है, जिसपे काफ़ी हम लोग एक्टिव रहते हैं, हमारी लेडीज़ भी काम कर रही हैं उस पर। और ऑलरेडी योगा सेंटर है, जिसमें मेडिटेशन और क्लासेस है बच्चों के लिए भी है। अभी आज हम लोगों ने कैंप रखा हुआ है, और जितनी भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो निचो कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है जिससे साइड इफेक्ट, प्राकृतिक चिकित्सा जिसे कहते हैं। हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा है। और बाकी अभी हमारी सभी जो लेडीज़ हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं अभी आपसे मिलेंगी जी, और डिटेल वो बताएंगी आपको। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो आजकल जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन जो चल रहा है, ये डस्ट की एलर्जी लोगों में हो रही है, छोटी छोटी चीज़ पे रिएक्शन हो रहे हैं उस पे, तो पब्लिक सोचती है कि उससे हमें कैसे निजात मिले, कैसे छुटकारा मिले, हमें कैसे छुटकारा मिले। तो उन सब चीज़ पे हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं एरिया में, और उसमें काफ़ी लेडीज़ें भी अवेयरनेस हो रहा है, उनके साथ भी उनके घरों में बच्चों को काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं जी। तो ये अलंकार ने शुरू किया है, अलंकार बिल्कुल अच्छी बात है। और ये फ्री कैंप है, तो एटलीस्ट लोग निकल के आएंगे कि चलो, काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी जैसे आज हम लोगों ने रखा है, ये है, इसमें डिटेल सब दिया हुआ है, ये हम दिखा रहे हैं आपको पैम्पलेट दीजिए, मैं थोड़ा और करीब से दिखा देती हूँ। ये है अलंकार का जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं और भी जो इस अलंकार क्रिएशन से जो महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी बातचीत करती हूँ जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सुधा जी ने बताया कि अलंकार एक NGO, ऐसी NGO है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, और चलिए फिर हम उन महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। हाई, आई एम डिम्पल जैन, आई एम प्रैक्टिस सुजो थेरेपी। वी हैव केप्ट अ होलिस्टिक हीलिंग कैंप इन डीएन नगर। अच्छा, इट इज़ वेरी गुड कैंप, it is including all sujo healing, this cupping and all, this cures all the diseases without, it is very harmful therapy and it is drugless also, no side effect in it, so I prefer jo bhi hai wo color therapy se bhi acha ho sakta hai aur ekdam ghar pe bhi khud kar sakte hai। iska koi bhi side effect nahi hai, koi bhi person ये घर पे कर सकता है। ये जो थेरेपी है वो ये बहुत तरीके से होती है, यानी सुजोग है, कपिंग है, हिजामा है, कॉस्मेटिक थेरेपी है, इतनी सारी थेरेपीज एक साथ में ये होना होती है। तो ये ऐसे है कि हमें इसमें कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये विदाउट मेडिसिन नो साइड इफ़ेक्ट से ये हो रही है। और हम ये जानते हैं, हमने ये कैंप इसीलिए किया है कि ताकि सब में जागरूकता आए और ये अपने आप भी कर सके, ताकि जो अभी सारे दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेते हैं वो ना लेकर ये थेरेपी से अपने आप को ट्रीट कर सके। हमारा यही मकसद है, और हमने इसीलिए ये अलंकार क्रिएशन में ये कैंप, इसीलिए हमने ये हेल्थ कैंप रखा हुआ है, ताकि सब में जागरूकता आ जाए और अच्छे से सब अपने आप में ये ट्रीटमेंट कर सके। और इसके साथ हम ये यहाँ क्लासेस भी कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ जो जितने भी हैं वो वहाँ आके सीखे और अपने आप को ट्रीट कर सके। सुजोग के बारे में मैं आपको दो उदाहरण दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि देखिए, ये अब ये देखिए आपके सामने यहाँ मोक्षा हो रही है। मोक्षा यानी क्या? मोक्षा ये एक हर्ब की कैंडल है, जो हमें उसको जलाकर अपने ऑर्गन पे यानी अपने हाथ पे उसको धीरे से सेकना है,
जैसे कि हम सुजोग में अपने पूरे बॉडी, अपनी पूरी बॉडी अपने हाथ में है, तो वो एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट पर ये मोक्षा का सेक लेने से उस पर हमें आराम मिलता है और हमें पता भी चलता है कि कहाँ कितने प्रॉब्लम्स है। हम ये देखते हैं कि ये दो तरीके से काम करने लगता है, उसको सेक भी देता है और हमें पता भी चलता है कि अब ये जो दूसरा ट्रीटमेंट है कलर थेरेपी, कलर थेरेपी में भी सेम वही कि सुजोग में अपनी फुल बॉडी अपने हाथ में है तो हमें उसको कलर के ज़रिए ट्रीट करना होता है। जैसे पंच तत्वा के जो कलर होते हैं तो वही उसके साथ में ही हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि कलर से, जैसे वाटर का कलर है ग्रीन कलर है तो उसको मूवमेंट देना है, ब्राउन कलर है तो उसको बांध के रखना है, रेड कलर है तो उसको उत्तेजित करना है। इस तरह के से अलग अलग कलर से हम उसको ट्रीट करते हैं, हमें सिर्फ समझ। हाँ, अब ये जो ब्लैक कलर है तो वो हमें एनर्जी भी देता है, जैसे ये सीड्स लगा रहे हैं तो सीड्स लगाने से उस पर हमेशा प्रेशर मिलता है, ये सीड्स एक्टिव है यानी लाइव है तो वो उसमें अंदर एनर्जी जाएगी और उसको आराम देगी। तो ये हो गया हमारा सीड थेरेपी। ये मेथी दाने हैं और इसको टेप में लगा के हमने इसको यहाँ लगा दिया है। हम अलंकार चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट के महिला मेंबर्स हैं हम सब लोग, और हमने ये खास करके ये फ्री कैंप महिलाओं के थ्रू किया हुआ है। हमारा सारा स्टाफ सब हमारी महिला मेंबर्स हैं सब, और हम इस कैंप के द्वारा और इस ट्रस्ट के द्वारा महिला कितनी आगे बढ़े, कितनी इंडिपेंडेंट हो, ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं सब। और इसके अलावा भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ अलंकार के थ्रू करने वाले हैं, तो प्लीज़ हम लोग सब चाहते हैं कि और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़े, वो भी आगे बढ़े, वो भी इंडिपेंडेंट बने। हम ये भी अलर्ट बी केयरफुल के ज़रिए हम ये बात कर रहे हैं, उनका जो मोटो है कि घटना घटने के इंतज़ार ना करें और पहले से ही अपने आप को सावधान करें, तो यही बात हम जो यहाँ हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका भी मोटो वही है कि हमें अपने आप में छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, सर्दी होना, ज़ुकाम होना, पैर दर्द होना, कमर दर्द होना वगैरह बहुत सारी जो है वो थोड़ी थोड़ी जो बीमारियां होती है हम उसको खासकर महिलाएं इग्नोर करती हैं और अपने आप में अपने रूटीन में आगे बढ़ जाती है और ताकि वो बड़े डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा ये मोटो है कि उसको इग्नोर ना करते हुए वो अपने आप में अपने आप को सुधारे और अच्छे से काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि ये इनका ये जो चैनल है उसका काम और हमारा काम सेम है, तो हमें उसको सपोर्ट करते हुए हमें भी अपनी महिलाओं को बोलना है कि बी अलर्ट एंड बी केयरफुल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।